अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कुछ जिंदा लाला नहीं, हो जिंगल गया लाला। तो पूरा 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद आज ब्लॉग चालू है फाइनली बट मेरे। मेरा काम नहीं खत्म हुआ। तो कल हम लोगों ने ब्रेक लिया था तो पूरा घर की सफाई किया और मैंने ये सेटअप किया पूरा ये वाला, और सफाई होने वाली थी बट कुछ मेहमान आने की वजह से सफाई रुक गई थोड़ी सी। अब बाहर की बची है, बाहर की जो पुराने जूने पुराने चप्पल है सब फेंकना है। और यहाँ पे सो रहे हैं हसनैन और उमैर। आज आशिफा ने बनाया था दाल गोश क्योंकि कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, आशिफा के भाई आ रहे थे बट वो अभी तक आए नहीं है, वो आएंगे थोड़ी देर में। और कुछ नहीं, बस आराम किए, आराम ही किए, आराम ही किए। अभी जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ तैयार होकर के कपड़ा धोने। ऐसे तुम्हें शर्म आ रही थी ना, इसीलिए। अरे कपड़ा निकाल के रखिए पूरा, अब जा रही धोने के लिए तैयार हो। तो हम लोग लेटे थे बहुत देर से एक्चुअली। कल थोड़ा सा हादसा हो गया था मेरे साथ थोड़ा रात को, तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मैं भी हादसा आराम किया, कुछ वीडियोस नहीं बनाए ना रील्स पे ना कुछ, सिर्फ आराम आराम आराम। इसको थोड़ा हादसा नहीं बोलते। कल भाई साहब गिर गए सीढ़ी से। हाँ, कल पता रात को नहीं एक्चुअली कहाँ पे। मैं जा रहा था कल रात को कचरा फेंकने, जो सफाई किया था धूल मट्टी निकली थी वो फेंकने जा रहा था, तो सीढ़ी से उतर रहा था तो मैं स्लिप हो गया, मेरी ये उंगली पे चोट आई है, ये वाली, हाँ ये पूरा रात वाली, में टेंशन ये में दोनों सोई उंगली हो। पर चोट आई है, ये दोनों, और पैर पे आया है थोड़ा बहुत चोट, और बम पे आया है और यहाँ पे आया थोड़ा सा, ये सब थोड़ा घसड़ा हो गया। और कुछ नहीं, बाकी तो मैंने मना किया, आप लोग की रात दुआ को से मैं कचरा अच्छा हूँ। फेंकने नहीं जाते, नहीं जाना चाहिए। फिर भी इनको 12:30 बजे 1 बजे याद आता है कि मैंने कचरा नहीं फेंका, मना फिर करने भी के आप लोग बाद की भी। दुआ और आपके प्यार से मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत रात को बहुत दर्द हुआ। तो मेरी मोहतरमा ने पूरा रात को तेल वेल लगा के मस्त मालिश किया और गर्म पट्टी लपेट दिए तो बहुत आराम है, कुछ नहीं हुआ। और कल ब्लॉग बनाया ही नहीं, कल पूरा रेस्ट किया। आज भी अभी तक 4:30-5 बज गया, अभी तक रेस्ट ही कर रहे थे। मैं लगाओ कैमरा चल, उठाता हूँ, मैं कल भी गई तुम्हारे हाथ से, मैं सबका निकलना भूल गई। आज भी भूल गए, भूल गए थे, आज भी भूल गए। तो ये बंद नहीं हो रहा हो पूरा, सके तो आपको यही बोलूंगी, अभी जाके शाम में निकाल दो, हाँ जाऊंगा अभी। उमेर के भी हाथ से और तुम्हारे भी। तो हम लोग पीने आए हैं अजवा में चाय, और अपने भाई ने अपने को दिए चाय, हम ये अपना तीन भाई जाने है, ये मेरा भाई है, देखो जायरा से कपड़ा पाएगा। जायरा 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 से लेके आए कपड़े, जायरा से तो लेके आए कपड़े। बहुत नींद आ रही थी मेरे को घर पे, मैं भाग के इधर आ गया। तो आसिफा तो कपड़ा धोने गई है, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद, दो बच्चे लोग आके मिल के गए तो मैं तो चाय पी रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है। और हम लोग मिला आज गणेश हमारे साथ चाय पीने, बहुत पुराना दोस्त है लेकिन बहुत कम मिलता है, बहुत मतलब बचपन का दोस्त बचपन है, का अभी बहुत दिन के बाद मिला है। हम लोग की बचपन की फोटो भी है, एकदम छोटे छोटे थे तभी, 10-12 साल की, तभी की फोटो भी है मेरे पास, वो सब गूगल में। तो आ जाओ चाय पीने, मलाई वाली। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम शफीक से पब्लॉग व्लॉग, बोलो वेलकम शफीक, आसिफा व्लॉग, अस्सलाम वालेकुम, बोलो सलाम करो जल्दी, बोलो अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छा हूँ, आप लोग की दुआ से। हाँ तो बोलो क्या कर रहे हो सब लोग, क्या कर रहे हो? मुझे याद करते हो, बोलो मुझे याद करते हो, कमेंट में बताओ। चिंगम खाओ, यूट्यूब चलाओ, के मेरा बेटा उठ गया, हाय बोल दो, हाय। मैं जा रहा हूँ अभी अब्बा के पास, जिज्जी ला रहे हैं। हम लोग सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं मेहमान का, इंतजार में इंतजार हो रहा है, मेहमान नहीं आए। आजूबा के भाई लो, क्या बोलू क्या बोलू, मैंने कपड़े भी धो दिए। वैसे आज मैंने इससे पहले बोला खाना, इससे मैंने थोड़ा ज्यादा ही बनाया, हम लोग सब परिवार खा लेंगे, नहीं जानू ये सामान को बोले ना नहीं बनाने, हाँ बोल दिया ना, हाँ
तो ये बोल देता वो बनाती ना बाद में इसी पे भड़कती डंडे लेके भागती उसी के पीछे। देखो मैं कौन हूँ जानू, क्या बोले जानू, मैं जानू हूँ और तू मेरी जान है, जान जानू 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 जानू। अब जितने चिढ़ते हैं इससे भाई, मैं तो किसी के लिए अपने जानू का नाम तो नहीं ले सकती है कि नहीं। जब से शादी हुई है, शादी के बराबर शादी वाले दिन से ना, कि शादी के दो दिन पहले से ही नाम रख दिया था तुम्हारा मैंने। ये तो मेरा मुड़ी रोग उंगली रोग काला हो गया। चलो आ रहा हूँ, जानू का मैंने प्यारा सा नाम रख दिया था शादी के दो दिन पहले ही, कि आपका नाम नहीं होगी, तब से उनका नाम जानू ही लेती हूँ। अगर किसी को पसंद नहीं है तो मेरे बोलने के टाइम पे कान बंद कर ले, बाकी जानू तो नहीं छूटने। बाकी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता लेने, चाइनीज भजिया और क्या लेने, बस चाइनीज भजिया खाने का, चाइनीज भजिया लेके आते चलो। तब हो गया हमारा नाश्ता। ये देखो टाइगर सरफ, देखो कैसे बैठी है। हाय अस्सलाम वालेकुम। और ये बैठे आसिफा, सब नाश्ता वास्ता करके यहाँ बैठे आराम से। और ये देखो मजा आया नाश्ता, अच्छा था। हाय बेटा सो रहा है, मेरा छोटा पापा सो रहा है। मैं अच्छा हूँ, क्या लगा एब्रो लगाया क्या? ए मैं अच्छा हूँ। हाँ अरे देखो, ए बिपाशा, बिपाशा नहीं आ रही, सबाना पीस बना बना के सबाना बना रही है। पहले जो आसिफा माल बनाती थी वैसे टिकली टिकली ला रहा टिकली। पहले ये काम आसिफा बहुत करती थी ना आसिफा। देखी ना मेरे को पुराने दिन याद आ गए। इसने तो फिर भी खाली ब्लाउज लेके बैठी है। मैं वो 150 रुपए वाला पीस रहता ना बड़ा, इतना बड़ा बड़ा वो घाघरा लाती थी और उसका टाइम होता था 2 से 3 दिन। तो 2 से 3 दिन में 100 रुपया कौन बनाएगा बताओ। तो मैं भले ही जानू जाते थे काम पे और वो नाइट शिफ्ट होती थी उनकी, वो रात को आते थे 3 से 4 बजे के टाइम पे। मैं जब तक भूखी रहती थी उनकी इंतजार में, उनकी याद में कि आएंगे तो साथ खाना खाऊंगी। तो मेरे को तो 10:30 बजे खाना ना खिला दूँ, पढ़ा लिखा करके सुला दूँ, टीवी चालू कर दूँ, कार्टून देखते देखते सो जाए, मस्त माल लेकर के अपना बैठूँ, जानू आएंगे आएंगे 3 बजे आएंगे, 3:30 बजे आ जाते थे। लेकर बैठू 6 घंटा कंटिन्यूसली बैठी रहूं और 6 घंटे में, हाँ मेरा बच्चा, 6 घंटे में माल पूरा बना के तैयार। उससे खाली मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझको मतलब बैक की मेरी वो नस है ना दब गई थी, तो मेरे को कमर दर्द और पैर का दर्द हमेशा रहता था, घुटने का कि फोल्ड नहीं कर सकती, ज़्यादा चल नहीं सकती, बहुत तकलीफ होती थी। पैर सीधा भी रखूँ तो अजीब सी नस तनती रहती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट बनाती थी। उसके बाद ये बनाना चालू की है। क्या कर रही है गंदी, कान की सर्विसिंग कर रही है। जय गले में तो है वो हमारा। कान तो साफ कर दे, दांत साफ कर देगी नहीं करती है। काजू बादाम भिजाए नहीं बिचारी वो कोई भी। हां लाए थे ना भाई ने, खाई ना भाई ने, लेके आता भाई ने थोड़ी ना सुन भाई को। अब यही है वो माल वाला पब्लिक मिठाई लाने वाली थी तेरे लिए, पर लोगों को दुकान नहीं मिली। यही टिकले वाला मिल गई है। अरे मेरे को मालूम है ना काहे दुकान, तो पब्लिक 7 नंबर पे 8 नंबर पे मिठाई नहीं मिली ना। आजुआ जम जम साली मार और काजू बादाम भी नहीं मिला। खाना खाने जा रही क्या? काजू बादाम तो भाई लाए थे, थोड़ा किया तूने क्या किया जल्दी बता, क्या किया जल्दी बता, क्या किया बता, क्या किया? चुप रे, हंसने ने तूने क्या किया अभी? अब्बा के हाथ पे वो भी है ना, अब्बा के हाथ पे ना, मेरे हाथ पे, मेरे हाथ पे उसको बिठाया, मेरे हाथ पे उसने पाद दिया, क्या किया? पाद दिया। क्या ना पादा? गंदा लड़का, गंदा लड़का, गंदा लड़का, कैसे कैसे? अरे ला, मैंने इसको गोद में बिठाया, मेरा आज मेरा बेटा क्या नाश्ता किया, सूप पिया, बोला कैसा पादा, ऐसे ही लिया पुर पादा और उठ के भाग के नाच रहे है ना, दन क्या दे दन दन दे दन पाद दिया, क्या बोला गंदा लड़का गंदा। हाय बोल दो, हाय बोल दो, चलो हाय बोलो, हाय बोलो फटाफट। कैसे हो? मैंने क्या किया? क्या किया? गंदा लड़का। ये देखो, ये तो छोटा सा पिक बना दी इसको। जिंगा लाला हूँ, जिंगा, अरे मेरा बेटा गुस्से से देख रहा है, देख जिंगा लाला बोला तो क्या देख रहा है उठ के,
क्या रे चिढ़ा भी रहा है मेरे को। अरे तो मेरे तो एब्रो बना दी, पेंसिल से बनाई क्या, पेंसिल से बनाई से बना दी। ए बाप रे मेरा राजा बच्चा, मेरा पुन्नू मेरा चुन्नू है, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। माशाल्लाह बोलना सब लोग जो जो देखा मेरे प्यारे बच्चे को। ये देखो इसने भी छोड़ा। हमारे पापा है, छोटा सा पापा है मिला। ये ड्राइंग कर रही थी, कभी स्कूल में तो ड्राइंग करी नहीं इसने, कभी स्कूल में ड्राइंग तो करी नहीं, बच्चे भी ड्राइंग करने लग गए। ड्राइंग करी बच्चे पे, ड्राइंग पूरा आजमा रही है। देखो ये कौन सा ड्राइंग करी, सच्ची बोलूं मेरे को मार खाने से बहुत डर लगता है। अल्लाह भाई नहीं, मेरे को मार खाने से बहुत डर लगता है। ड्राइंग के मुंह बच्चे का मुंह ड्राइंग के अब्बा उस दिन मुझे सिर्फ एक पट्टा घुमाया, दूसरे पट्टा में आवाज बंद करके चुपचाप सो गई, तीसरा दूसरा पट्टा ना पड़े। हां तो पढ़ लेना, तकरी देना चालू करते तो बिना पट्टा का है। मुझे बहुत डर लगती, मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में कभी गलती नहीं करती जल्दी कि मेरे को मार पड़ेगी बोल के, मेरे को मार खाने से बहुत डर लगती है। हाँ झगड़ा करने से डर नहीं लगती पर मार खाने से बहुत डर लगती। अरे भाई स्कूल में मारते थे, तीन तीन चार चार दिन स्कूल नहीं जाती थी, बोलती थी अब अम्मी सर मीटिंग में गए है, नहीं है सर पढ़ने नहीं आते। अरे साथ में बजा के सो जाती है, सलवार में सो अपना नाम लिखने नहीं आता, सवाल लिखने नहीं आता, आता आता इतना तो आता। वसीम की स्पेलिंग क्या है, वसीम की स्पेलिंग डब्ल्यू ए एस आई ए एम। वसीम 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 नहीं, वापिस से बोलती हूँ एस नहीं 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 डब्ल्यू ए एस आई एम एक तो बच्चों के नाम ऐसे भारी भारी लग रही है, स्पेलिंग याद नहीं हो रही अम्मी अब्बा को बताओ। हाँ? तो इसका एच से आता है, इसका ए से आता है, बस ना दुन्नो दुन्नो की बोलूं। और तेरा, मेरा एस से आता है डब्ल्यू, और मेरा यू एस डब्ल्यू ए एच ए, कुछ नहीं बन रहा, घंटा बन रहा। स्वा स्वा हो गया सब, स्वा स्वा मेरा यू डाल दी क्या क्या, और मेरे मेरे को तीन चार मिल के तीन चारों ने कर दिए स्वा पूरा, है ना? अगर मेरा इसमें यू डाल दिए वाह हो गया, वाह बनाते हैं। ये देखो इन लोग को, दोनों के क्या बोलते, दोनों मिलके माल बना रहे हैं। चल रहा तुम जा रहा काम पे, वैसे ही बनाते थे प्लेट, क्या बोल रहे प्लेट जरा थोड़ा मेरे को जम नहीं रही। ब्लेड थोड़ी बनाते थे तुम, तो उस पर रहते थे। नहीं जो पकड़ने वाली, इनको डाइनिंग टेबल चाहिए बनाने। अरे ये प्लेट की बात कर रही जिसमें टिकली है, साफ करूंगा लाके सब। जाहिल लोग है जाहिल, स्पून स्पून लाके सवाना समझ गई मैं क्या बोल रही हूं। आयो पतली प्लेट आती है ना, हां हाय बोलो हाय। एक सोफा चाहिए उसमें साइड में लेटने के लिए, और एक डाइनिंग टेबल, और ऐसा लेट के लगाते थे। टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ कौन है, नहीं मम्मी है, टाइगर श्रॉफ। बिपाशा किधर है, बिपाशा प्यार की भाषा से गाने गई घर पे, प्यार की भाषा गई सिखाने के लिए। तुम्हारा भी टाइगर सरफ क्या कर रही है, बोल टाइगर सरफ, टाइगर सरफ, टाइगर सरफ बना रहे हैं माल, माल। चलो डांस करो,
बेबी चक डाउन डन 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 रख डाउन करो करो उसका पैसा अरे रुक जा बेबी चक डाउन ना 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 अरे बासा करो अरे बासा करो धन 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 ये देखो आसिफा के हाथ का दाल गोश ओहो और हमने लाए हैं तंदूरी रोटी और खाना लग चुका है मेरा भाई आ रहा है छोटू और उमेर भी आ रहा है सब साथ में खाएंगे अभी हम इंतजार में बैठे हैं मुझे लग रही ठंड दिखाओ तंदूरी रोटी दिखाओ कौन सी बनाया आज पतली बनाया मोटी कमाची बनवाई हूँ कमाची हाँ सॉफ्ट होती है छोटी होती है थोड़ी छोटी होती है सॉफ्ट होती है हाँ तंदूरी कड़क हो जाती है कैसा लगा कमेंट में इसकी रेसिपी नीचे मिलेगी आप लोगों को नीचे के ब्लॉग में नीचे के ब्लॉग में पुराने ब्लॉग में पिछले की ब्लॉग में जरूर मिलेगी तो आप लोग भी अपने घर पे दाल को जरूर ट्राई कीजिएगा मैंने दिया है पहले भी रेसिपी बोलेंगे रेसिपी तो नहीं बताई बोलती घर पे जरूर ट्राई करना देख के कैसे ट्राई करें जरूर कीजिएगा तो हमारा जस्ट खाना हो गया अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब वालेकुम सभी का एक तो मेरा हाथ दर्द दे रहा है मेरा पैर भी दर्द दे रहा है बहुत घोड़ा गिर गए क्या हो चलो कुछ अरे हर कोई गिरता है कोई प्यार में गिरता है कोई पीतल के गिरता है कोई जिंदगी में बार बार गिरता है और इसकी तो आदत है ठोकर खाने की तो मेरे भी खाना खा लिया है मेरा भाई भी खाना खा के चले गया है बहुत मजा आया माशाल्लाह बहुत अच्छा सब यहाँ पे किसी किसी के सी लिखा होता है इनके यहाँ पे स्पेशल लिखा आया TNS अब पूछो TNS मतलब पूछो ना तो मुंह क्या बना रहे हो क्या मतलब टी का मतलब है ठोकर खाके फिर इसका मतलब है संभलो तो ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें लाइक कमेंट करते रहना और फॉलो करना मत भूलना इंस्टा पे मुझे घंटा बड़ा हां से बनने तो स्टोन का काम कर चुकी है आप लोगों को बताइए कैसा करती थी चलो कोई नहीं लेकिन आज भी हाथ मेरा है ना उमर एक साल हो गया ना ये काम अहमदाबाद की याद आ रही है अहमदाबाद की मेरे को बहुत याद आ रही है मेरी सिस्टर की जीजा जी की भाईजान की हाँ बहुत मजा आता था बच्चे लोग की बिल्कुल नहीं आ रही बहुत परेशान करते वहाँ पे सब एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं गांडा मतलब पागल गांडे थे गए मतलब पागल हो गया तो पर मेरे को मेरी बहन की याद बहुत आ रही है मेरी बहन की याद बहुत आ रही है दिल हो रहा है बहुत टाइम बाद उसके पास गई उसके पास रही तो अच्छा नहीं लगा आई तो और जो हमसे मिलने आए वहाँ पे रोई नहीं क्योंकि मैं रोती ना वो रो देती और हमारे जाने के बाद भी कोई तो नुकसान था मैं नेटवर्क इशू था बट उनको मेरी हमारी तरफ से बहुत बहुत सॉरी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मिलने मेरी सिस्टर के घर पर थे बट हम लोग वहाँ नहीं थे नहीं वो समझ जाएंगे कि उनको बोल रहे हैं तो कोई नहीं बस दुआ में याद रखना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना तो लव यू ऑल थैंक यू सो मच सब्सक्राइब बटन देने के लिए और कमेंट करो कमेंट प्लीज कमेंट करके बताओ हमारे ब्लॉग कैसे लगे ठीक है तो अल्लाह हाफिज मिलना हमको वापस है चिकन खाओ चबा के YouTube चलाओ दबा के और अल्हम्दुलिल्लाह दाल आज दाल को भी सबको बड़ा पसंद आया ना सब मजे लूटे बस खाली एक बेचारा मेरा देवर रह गया एक्चुअली हम लोग बाहर चले गए थे काम से थोड़ा और मेरे ध्यान मैं आया था वो खाना खा लिया और हमारे वापस आए तक वो खाना खा लिए उनको भिजाना रह गया वो बोले नहीं भाई मत भिजा खराब हो जाएगी नहीं तो बोले मैं हम लोग खाना खा चुके करके तो थोड़ा अजीब लगा बट कोई ना नसीब नसीब की बातें कहते हैं ना जिसके नसीब का दाना जहाँ होता है उससे वही मिलता है बाकी तो पूरा परिवार खाया प्यार बनाए रखे। Bye, love you, और अल्लाह परिवार को हर किसी की नजर से बचाए आमीन 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 और मेरे दुआ करना थोड़ा मैं बहुत गिर पड़ रहा हूँ आजकल और अभी छोटू की भी खुशखबरी इंशाल्लाह जल्द आने वाली है दो चार दिन में आने वाली दुआ करें उसकी भी वाइफ का मेरी सबसे छोटी देवरानी का भी अच्छे से सब हो जाए अल्लाह करे सब अच्छे से उसको भी जो भी हो अल्लाह जो भी दे फर्स्ट औलाद है उसकी भी
अच्छे से। तो भाई अल्लाह हाफिज़, दुआ में बाय बाय, टाटा एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।